इतनी अच्छी जगह, इतनी अच्छी जगह, मतलब जितना मैं देहरादून मसूरी ठसूरी गई ना, उससे तो लाख गुना अच्छी जगह हुई है। वहां तक नहीं है ऐसा भी। मालिक इतना खर्चा हो गया तो एक मजा ले ही लेते हैं। तगड़ तगड़ियो, थोड़ा दो कदम चल रहे नहीं, फिर कैमरा खुल जा रहा है, फिर शूट करना है, फिर शूट करना है, फिर शूट करना है। दगड़ियो ऐसे होता है ना सिनेमेटिक वीडियो बनाने में, मेरा की भी हो, कैमरा खोला, ज्यादा ज्यादा बुला दियो है कि यहाँ मत आना। अल्टा रख देना अमल मनीष। तो दगड़ियो मैं हो चुकी हूँ रेडी, अभी मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बाल भी नहीं बनाए हैं दगड़ियो, और ना फेस पे कुछ लगाया, वैसे तो मैं ज़्यादा कुछ लगाती नहीं हूँ, वैसलिन वगैरह भी कुछ नहीं लगा रखा है। वैसे मैं थोड़ा कभी कभी फेयर लवली लगाती हूँ, पर आजकल तो वो भी नहीं लगा रही। ठीक है, तो मैं रेडी हो चुकी हूँ, 6:30 होने वाले हो ही गए होंगे अभी तक तो, क्योंकि जब मैंने टाइम देखा था 6:25 हुआ था। और कुछ नहीं, हुडी ये जीन्स ये जूते पहन रखे हैं, और बाकी कुछ तैयार वगैरह होना होगा तो मैंने अपना मेकअप का पाउच रख लिया है क्योंकि फ़ोटोज़ खींचेंगे ना। तो चलते हैं और दिखाते हैं आपको हमारे गाँव की बहुत ही बहुत ही बहुत ही खूबसूरत जगह, मतलब हिडन प्लेस, इतनी खूबसूरत जगह ना आपकी आँखें देखेगी दिख ही रह जाएंगी। मैं वहाँ गई थी 2021 फर्स्ट जैन को गई थी, अब आज मैं हाँ दूसरी बार जाने वाली हूँ। तो दगड़ियो अभी हम ना क्या कहते हैं, बस से आए थे, हमारे घर से 10 किलोमीटर आगे, तो अभी हम बस से उतर चुके हैं। बस में क्या ही व्लॉग बनाती दगड़ियो, इतनी भीड़ में क्या बताऊँ, कितनी भीड़, मतलब हल्द्वानी वाली सवारी सुधे ठड़ी बैठ जा। हाँ, हल्द्वानी की सवारियाँ खड़े होके जा रहे थे, हम तो हमारा घर पहले पड़ता है तो हम तो बैठ गए थे, और अभी भी अभी हुई नहीं उनके लिए सीट, पता नहीं दगड़ियो इतनी बस भरी हुई थी, और यहाँ से इतने खूबसूरत हिमालय दिख रहे ना, मैं क्या बताऊँ आपको, अभी दिखाऊंगी। कितना क्यूट कुत्ता है दगड़िया। जब हम पहले गए थे इधर तब नहीं बनाती थी ना तू व्लॉग? नहीं, जब हम पहले गए थे 2021 में, मैंने 2021 के जुलाई से अगस्त से बनाना शुरू किया व्लॉग, अगस्त से, 3-4 अगस्त से। वीडियो ये बहुत ही पहली बार आपको दिखाऊंगी, इतनी अच्छी जगह, इतनी अच्छी जगह है, मतलब ना क्या ही बताऊँ कितनी अच्छी जगह है। ठीक है, तो मतलब जितना मैं देहरादून मसूरी ठसूरी गई ना, उससे तो लाख गुना अच्छी जगह हुई वहाँ तक नहीं है ऐसा भी वहाँ तक नहीं है ऐसा भी वहाँ ऐसा होता तो लोग बर्बाद भी कर देते। हाँ, बर्बाद ही कर देते ना, कूड़ा कचरा कर करके रास्ते में खाने पीने के लिए नहीं लेना। हाँ यार, मैं भी यही सोच रही थी जब खाने पीने की याद आई। चलो कुछ लेके आते दगड़ियो, हम तो कुछ खा के नहीं आ रहे। एक बार हिमालय दिखा दो, एक बार दिखा दो, ज़ूम करके दिखा रहा है, ये देखो ज़ूम करना उस पे, अरे और ज़ूम फट जाता है यार, जो दिख रहा है ना सामने उसके कंपैरिजन कुछ वही भी नहीं दिखता। वही तो बाकी तो मैं भाई कैमरा से शूट करेगा ना, तो मैं वो डाल दूंगी वाली क्लिप्स, अभी तो बस इतना सा दिख रहा है, जहाँ हम जाने वाले है ना, हिमालय का पहाड़ है वो, मतलब क्या ही बोलूं, मतलब इतनी सुंदर जगह है ये। मार्केट आगे देखिए, कितना अच्छा व्यू दिख रहा है, बिल्कुल है ना देखा टूरिस्टों वाली फीलिंग आ रही है। हाथ में कैमरा है मेरा, ट्राइपॉड वाइपॉड पकड़ के, और मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ, सारे लोगों की निगाहें मुझ पे ही है, बट मैं ये करना चाहती हूँ क्योंकि मैं थोड़े से पब्लिक में जाके ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा सा हेजिटेशन हो जाती है मेरे को, बट मुझे इसको भी निकालना है अपने आप, देखते हैं लोगों से मुझे क्या करना है। चलो, कितने खतरनाक कुत्ते हैं दगड़ियो, इधर देखो देखो, सुधे सनसिल्क को सैंपल नवारा खंजस उसको पुराने यहाँ लेते हैं, कुछ देखते हैं क्या लेते हैं, लेज ब्लू लेज नहीं है ना, मालिक इतना खर्चा हो गया तो एक माजा ले ही लेते हैं, मालिक अब इतना खर्चा हो गया तो एक चिप्स ले ही लेते हैं। एक माजा 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 रियल का कितने का आता है, 20 का आता होगा शायद रियल वाला, तो 20 का है, कितने का है दे? 20 का। हाँ यही ले। तो दगड़ियो हमने ले लिया है सामान, आपने देखा ही खाने के लिए, तो अब हम निकल पड़े हैं यहाँ से, कितना होता है, एक डेढ़ किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर हमको जाना है, कहाँ से जाएंगे, वही शॉर्ट रास्ते तो शॉर्ट क्या, वही रास्ता है, वही रास्ता है, मतलब जंगल जंगल का, तो वहीं से हम जाएंगे, और ट्राईपॉड मैंने ले लिया है, भाई के पास है कैमरा, और हम जाते हैं, आपको भी दिखाते हैं सुंदर सुंदर
नज़ारे। वैसे दगड़िया आप लोग ना ट्रैवल व्लॉग आप देखते ही नहीं हो, पता नहीं आपको फैमिली व्लॉग ही अच्छे लगते हैं शायद, बट आपको नहीं पता आप क्या मिस कर देते हो। जो लोग देख रहे हैं वो देखना कितनी सुंदर सुंदर जगह है। तो चलिए, जय हो भगवान जी। तो मंदिर देख के जय मंदिर दे। यहाँ पे अब पहली बार भाई का कैमरा खुलते हुए शुरुआत हो चुकी है कैमरा खुलने की। यहाँ पे भाई कुछ रिकॉर्ड कर रहा है और मुझसे दो तीन लोगों ने पूछा भी था कमेंट्स में, क्योंकि मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि मेरे भाई का चैनल है करके। तो हाँ, मेरे भाई का चैनल है, बता दूँ भाई का चैनल है मनीष पाठक करके। अगर आपको देखना होगा, अगर आप अच्छे मतलब सिनेमैटिक व्यू देखने के शौकीन हैं और अच्छी मतलब सेल्फ इम्प्रूवमेंट, ज्ञान की बातें मेनली, ज्ञान की बातें सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाले, वैसे ऑडियंस मेरे है नहीं इस चैनल पे वैसे, बट कोई कोई भूला भटका हो तो आप देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं मनीष पाठक करके। यहाँ पे अभी भाई कुछ शूट कर रहा है और मेरा यहाँ पे ब्लॉग बनाने का अभी ऐसा कुछ है नहीं, कुछ शूट नहीं है ना, हमें को चलते हुए शूट करना है। अच्छा, भाई को हमको ही चलते हुए शूट करना है, यही होता है ना दगड़ियों ट्रैवल व्लॉग में। अब कैमरा तो आएगा नहीं, तुम्हारे पीछे पीछे चलो मैं शूट करते रहता हूँ, वो वीडियो बनेगी फिर वापस आएंगे कैमरा उठाएंगे। हाँ, तो दगड़ियो अब हम पहुंच चुके हैं उस पॉइंट पे जहां से हमें रोड को बाय बाय कहना है और जहां से हमारा ट्रैक शुरू होता है। तो यहां से हमें अब जाना है ऊपर को, ये सीधे रोड जाएगी बेरीनाग की तरफ आगे को, और हम यहां से जाएंगे ऊपर ऊपर अब जंगल की तरफ को और बहुत ऊपर चोटी में पहुंचेंगे। और यहां भाई अपना शूट कर रहा है, यहां से भी थोड़ा थोड़ा हिमालय दिख रहा है। और घर से मैं दगड़ियो बाल भी नहीं बना के आई हूँ, देख लो लिटरली ये ऐसे बाल रखे मेरे, जैसे सोई थी वैसे ही बाल हैं, वहीं जाके बनाएंगे बाल बाल, ठीक है। तो चलिए फिर दगड़ियों, तब से मतलब ना हमको ना कम से कम 30-35 मिनट, इससे भी ज़्यादा ही हो गए होंगे शायद, थोड़ा दो कदम चल रहे नहीं, फिर कैमरा खुल जा रहा है, फिर शूट करना है, फिर शूट करना है, फिर शूट करना है। दगड़ियों ऐसे होता है ना सिनेमेटिक वीडियो बनाने में, मेरा की भी हो कैमरा खोला ज़्यादा बुला दियो है गियो, बट इसको पैरों के शॉट भी लेने हैं अलग से, राइट सेंगल राइट एंगल अलग लेना है, लेफ्ट अलग लेना है, फ्रंट का अलग लेना है, बैक का अलग लेना है, तो इतने सारे शूट इतने सारे शॉट्स लेने पड़ते हैं। तो चढ़ाई लेनी है, पत्थर लेने हैं, हाँ, तो इसमें तो बहुत टाइम वक्त जाता ही है, तो बड़ों पे वीडियो बढ़िया तभी वीडियो अच्छी बनती है दगड़ियों। तो अभी हम और रुक रखे हैं, अभी तो हमें बहुत आगे जाना है, अभी तो हम थोड़ा सा रोड से मतलब अब तो रोड दिखनी बंद हो गई है, थोड़ा सा ऊपर आ चुके हैं, इतना आ चुके हैं हम, गाड़ियों की आवाज़ आ ही रही है अभी भी। और यहाँ से अभी और जाना है ऊपर को, वो सूर्य दिख रहे हैं यहाँ पे, और मैंने बाल बना लिए हैं वैसे अभी दगड़ियों आप देख सकते हैं, और थोड़ी सी लिपस्टिक भी लगा रखी है। हाँ हाँ, मेरे को भूख भी लग गई दगड़ियों। दगड़ियों अब हम अपने लोकेशन पे पहुँचने वाले हैं, भाई अपना शूट कर रहा है और मैं, और मेरे हाथ में ट्राईपॉड भी है दगड़ियों। और अब जब मैं आपको नज़ारा दिखाने वाली हूँ ना दगड़ियों, मैं कहीं गिरूँ ना, डाउन डाउन जाना है, और देखो भाई कैसे दौड़ के जा रहा है, मेरे हाथ में ट्राईपॉड पकड़ा के अपना दौड़ दौड़ के जा रहा है। और ये देखो मेरा फ़ोन भी चार्ज हो रहा है पावर बैंक से, क्योंकि मेरे फ़ोन में चार्ज नहीं है दगड़ियों, मेरे दुख लगे ही रहते हैं। तो अब दिखाते हैं आपको व्यू, भाई तो पहुँच चुका है टॉप में, रेडी दगड़ियों, पहले आपको अपने पैर ही पैर दिखाती हूँ मैं। यहाँ पे आके किसी ने कैंप किया है शायद ये दगड़ी। अब मैं आपको देखो जो दिखाने वाली हूँ, 1 2 3 रेडी। लग रहा है ना दगड़ी जैसे कि हिमालय हमारे पास ही है, देखो
भाई की मुंडी हिमालय की मुंडी सामने सामने दिख रही है। बाकी जो भाई कैमरे से शॉट लेगा मैं अपने उसमें वो इंक्लूड करूँगी, क्योंकि फ़ोन से उतना अच्छा नहीं आ रहा। यहाँ मत आना। नहीं यार, जब आओ यार, साफ सफाई रखो। क्या है, खैर हमारी कौन सी जगह है जो हम बोल रहे हैं, लेकिन वही अपना गांव है यार, साफ रखो। जाने का मन नहीं होता, बस बैठ जाओ यहाँ पे। हाँ लगड़ियो, कुछ नहीं। ये देखो तेरे कैमरा के आगे जो मैं नॉर्मल बोल रहा, अपना कैमरा ऑन करता हूँ, पता नहीं क्या मतलब, उतने अच्छे से नहीं बोला जाता। दगड़ियो भी मेरे को दीदी सिखाएगी। ये देखो पीछे का व्यू भी कितना अच्छा आ रहा है। अब ना हमें बहुत तेज भूख लगी है, तो हम सोच रहे हैं कि पहले जो हमने वो लिया था ना चिप्स वगैरह, वो खा लेते हैं और व्यू का एंजॉय करते हैं। और इतना मज़ा, इतना सुकून, मैं क्या बताऊँ। बैठूँ, चलो। आ गया है इस जगह से हमें विदा लेने का। सच कहूँ तो जाने का तो बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा। मैं तो कहीं भी घर से बाहर जाती हूँ, मतलब इतनी सुंदर जगहों पे, तो मुझे तो वहाँ से घर लौटने का मन ही नहीं करता, बट घर तो जाना ही पड़ेगा। जितने भी यहाँ पे हमने 2-3 घंटे स्पेंड किए, इतने अच्छे, इतने शांति भरे, मैं क्या ही बताऊँ। मतलब बहुत ज़्यादा ही डीप लेवल की बातें हो जाएंगी वो स्पिरिचुअल वाली। तो बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छी वीडियोस भी बनाई, आपने देख ली होंगी कितना सुंदर व्यू था, कितना अच्छा। तो अब 12 बज चुके हैं दगड़ियों, और अब हम यहाँ से निकलने वाले हैं। भाई का तो कैमरा अभी भी ऑन ही है, पता नहीं क्या जैसा करना चाह रहा है ये। तो अभी थोड़ी देर में हम 12:30 तक तो निकल ही जाएंगे यहाँ से। फिर हमें पता नहीं इस टाइम पे तो अब कोई गाड़ी भी मिलेगी नहीं मिलेगी, कितने बजे घर पहुँचते हैं क्या है। अभी मैंने भाई दूजोला ब्लॉग, वाह 2 बजे कोटमीना से गाड़ी जाती है, बस आज पता नहीं कितने बजे घर पहुंचना है, कब मैं भाई दूजोला ब्लॉग डालूंगी। अब तो मुझे लग रहा है वो रात तक ही डल पाएगा। तो उम्मीद करती हूँ दगड़ियों आपको मेरे आज का ये बहुत ही सुंदर सा ब्लॉग पसंद आया होगा, मुझे तो बहुत पसंद आया, आपको भी पसंद आया होगा। तो मिलती हूँ कल अपने नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, और ऐसे ही ब्लॉग्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए जिसने नहीं किया है। तो मिलती हूँ कल, तब तक के लिए नमस्कार।